हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं बनाने जा रही थी ये मूंग का, जो है ना, मूंग साबुत मूंग का सब्जी जैसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे मूंग को मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले ही भिगा दिया था पानी में। यहाँ पे सारे मसाले निकाल दिए हैं, सारी चॉपिंग वगैरह भी कर दी है, ताकि मतलब वीडियो बनाना ईजी रहे। नहीं तो फिर जब आप वीडियो शूट करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जब बार बार निकालना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे लगा आज मैं सुबह ही सब्जी बना रही हूँ। अभी सुबह का टाइम है, मुझे और भी कुछ काम है दोपहर में, तो मुझे लगा पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर मुझे मतलब जो करूँगी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें जीरा का तड़का दिया, सिंपल जीरा का, और उसके बाद में तेज पत्ता डाला, 2-3 लौंग डाली और 1 साबुत मिर्च डाली है, थोड़े से दालचीनी डाली है और एक वो डाला है इलायची डाली है। उसके बाद में वो सारा तड़का हो जाएगा, तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक को ना मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो डाला। और उसके बाद में ये थोड़ा सा हो जाएगा तो वही प्याज डालूँगी। प्याज भी थोड़ा भुनने के बाद में ना, फिर इसमें वही बेसिक मसाले जो होते हैं ना, वो डालूँगी। इसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, पिछले वीडियो में मैंने शायद आपके साथ शेयर किया हुआ है। आज बना रही थी तो मुझे लगा फिर से आपके साथ एक बार शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पे प्याज थोड़ा सा हो जाएगा ना, और मैंने मिर्ची डालना भूल गई थी। मैं कभी कभी, आप जब वीडियो शूट करते हो ना, तो मतलब ख्याल ही उतर जाता है, तो मिर्ची लास्ट में डाल दी है। और उसके बाद में प्याज हो गया, तो यहाँ पे हल्दी, बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो डाल के भुना। और ड्राई मसाले होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनिए, नहीं तो फिर वो जल जाएंगे। तो मैंने तुरंत उसके बाद टमाटर डाल दिया था। टमाटर के बाद थोड़ी सी नमक डाल के टमाटर को गलने तक भुनेंगे, और पूरा ऑयल तेल छोड़ देगा, मतलब मसाला वगैरह, देखो यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद में ये जो मूंग है ना, उसको डाल के फिर उसमें पानी डाल के 3-4 प्रेशर कुकर, 3-4 नहीं, मतलब जितना आप दाल लगाते हो ना, तुअर दाल, जैसे 3 सीटी में वो पकती है ना, तो इसको 5-6 सीटी तक पकाना रहता है, क्योंकि मतलब ये फूला नहीं रहता है ना, तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसको गलने में, लेकिन ये बहुत अच्छे से आराम से बन जाता है। एक आग बार मेरे हस्बैंड बनाए थे सबसे पहली बार, मुझे लगा था ये नहीं बनेगा, लेकिन जब उन्होंने बनाया तो आराम से ये गल गया था। मुझे लगा बिना फूले तो नहीं गलेगा ये, क्योंकि साबुत था ना, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। तो उसके बाद से तो मैं अब काफ़ी टाइम जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता ये बना देती हूँ, और बहुत हेल्दी भी होता है ये। तो सब्जी बन गई है, उसके बाद मैं नहाने गई, नहा के आई हूँ, सब्जी बन गई, खाना होगा तो रोटी फिर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ प्लांट्स लगाने थे, और मैं कुछ सीड्स लेके आई थी बाहर से, वॉलमार्ट से, और ऐसे जो डब्बे होते हैं ना, मैं फेंकती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे लगाना है ना, तो ऐसे डब्बे, दूध के डब्बे हुए, ये कार्डबोर्ड वाले डब्बे हुए, और ये जो प्लास्टिक के, जैसे कभी केक ले आओ या फिर कोई स्नैक्स वगैरह ले आओ ना, उन सारे डब्बे थे, तो मैंने फेंके नहीं थी। इसी में ये सारे सीड्स, मिर्ची है, पालक है, टमाटर है, और ये ना लहसुन, अभी मैं पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, अमचूर का मसाला बना रही थी, तो उसमें लहसुन जब मैं निकाल रही थी ना, तो बहुत सारे लहसुन में से ऐसे मतलब पत्तियां निकल रही थी ऊपर से, तो मुझे लगा कि इसको मैं लगा दूंगी तो लहसुन की पत्तियां निकल आएंगी। तो मुझे लगा कि चलो, जिस में से ऐसे निकल रहा था हरा हरा ना, वो मतलब मैं यूज़ नहीं की, हटा दी थी, तो मुझे लगा लाओ आज ये सब कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो डब्बे हैं ना, उसको कट कर ले रही हूँ अलग अलग। अभी ये सारे डब्बे में इसलिए मैं लगा रही हूँ ना, क्योंकि अभी छोटे छोटे निकलेंगे ना, तो मुझे लगा कि अभी मैं लगा देती हूँ, जब ये निकल जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो मैं बड़े पॉट में मतलब फिर उसको मतलब वहाँ पे लगा दूँगी। अभी सिर्फ ग्रो करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मतलब वो सीड लगा दूँ और उसमें से मतलब प्लांट्स निकल आए। यहाँ पे ना चाकू से या फिर आप कैंची से, जिसके भी हेल्प से, थोड़ा सा मतलब मैंने होल कर दिया है सब डब्बे में इसी तरह से, क्योंकि फिर मतलब गमले वगैरह में देखो नीचे होता है ना, नहीं तो फिर पानी पास नहीं होता तो वे सड़ने में आने लगता है, और इसलिए मैंने थोड़ा सब में ऐसे होल कर दिया है। हम लोग मिट्टी काफ़ी दिन से ले आई थी, सीड्स भी काफ़ी दिन से ले आई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था ये सब करने का, तो मुझे लगा आज सुबह पहले मैं खाना बना देती हूँ। पहले क्या करती थी, खाना वगैरह हो जाए दोपहर में मैं काम करूँगी तो फिर नहीं हो पाता था, तो आज मुझे लगा कि पहले मतलब खाना बना के रख देती हूँ, उसके बाद नहा लेती हूँ और फिर ये करती हूँ, ताकि मतलब बस रोटी ही बनाना रहे। तो मैंने ये डब्बे मिट्टी डाला, थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला किया, और यहाँ पर देखो लहसुन आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे, मतलब उसमें से पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो रही हैं।
यहाँ पे ये दोनों जो छोटे छोटे हैं ना, इसमें मैं एक में टमाटर लगा देती हूँ और एक में मिर्ची लगा देती हूँ। तो बस ऐसे इसी तरह लाइन बना ले रही हूँ और एक एक सीड डाल देती हूँ, क्योंकि सीड ज़्यादा रहते हैं ना उसमें से बहुत नहीं निकलते हैं, बहुत निकलते हैं। अभी तो मैं ये पहली बार कर रही हूँ बाहर से सीड ला के, देखते हैं निकलता है या फिर नहीं निकलता है। अभी तो मैं मतलब 5-6-10 दिन हो गए थे ये वीडियो, मतलब मेरे को एडिटिंग करते करते, तो लास्ट में वीडियो में दिखाया है और ये कुछ चीज़ें निकल आई हैं, कुछ चीज़ें तो अभी तक नहीं निकली हैं। देखती हूँ निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो फिर जो घर का वो टमाटर का बीज होता है ना वो लगा कर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर एक में टमाटर लगा दिए हैं, एक में मिर्ची लगा दूँगी और अब यहाँ पर ना दोनों लगाने के बाद में ना जो टमाटर का पैकेट था वो कट करके मैं उसी मिट्टी में ऐसे थोड़ा सा लगा देती हूँ, और जो मिर्ची का था ना उसको लगा देती हूँ। नहीं तो ये सेम डब्बा है ना, मैं भूल जाऊँगी टमाटर कौन सा था मिर्ची कौन सा था, तो इसलिए ऐसे याद रहेगा। चाहे तो आप पॉट पर लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि चलो ऐसे ही लगा देती हूँ। अभी तो इसको मतलब निकाल के बड़ा हो जाएगा तो दूसरे पॉट में लगाना है, बड़े वाले पॉट में। तो ये दूध का डब्बा था, दूध के डब्बे को मैंने रखा था क्योंकि मुझे ये सब मतलब सीड्स लगाने हैं, अगर बड़ा हो जाएगा उसके बाद में जब शिफ्ट करूँगी ना तो पॉट वगैरह लूँगी फिर उसमें करूँगी। अभी तो फ़िलहाल ये सिर्फ मतलब ये डब्बे को अगर अच्छे से आप कट करके पेंट करके यूज़ करो ना तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं मुझे ऐसे ही लगाना था तो मैं लगा दे रही हूँ कैंची और उसके हेल्प से, कैंची या फिर चाकू के हेल्प से मैंने कट कर लिया, क्योंकि इसकी प्लास्टिक बहुत एकदम वैसी होती है, हार्ड वाली नहीं होती है। और यहाँ पे इसको भी होल कर ले रही हूँ पीछे से, सेम चाकू नोकीला रहता है ना तो आराम से हो जाता है, क्योंकि इसका प्लास्टिक बताया ना बहुत हार्ड वाला नहीं होता है। यहाँ पे ये फूल लेके आई थी, मल्टी कलर के फूल थे इसमें, तो मुझे लगा ये लगा देती हूँ, एक साथ सब लगा देती हूँ, फिर अलग अलग पॉट में इसको भी कर दूँगी। तो यहाँ पे ये भी पेड़ अभी मतलब प्लांट निकल आया है, अभी लास्ट वीडियो में आप देखिएगा अच्छे से निकल आया है। मतलब अभी तक मिर्ची नहीं निकली है, धनिया नहीं निकली है, मैंने मिर्ची लगाई, धनिया लगाई, लहसुन लगाई है, फूल लगाया है और बैंगन भी लगाया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें निकली हैं, कुछ कुछ चीज़ें भी नहीं निकली हैं। तो यहाँ पे फूल भी लग गया, और ये कार्डबोर्ड का था ना, इसमें मैंने सोचा कि पालक लगा देती हूँ, आराम से हो जाएगा। मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस देखी लोगों ने लगाया था, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी इसमें ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। ये पालक का बीज था और यहाँ पे मैंने हाथ में निकाल लिया है, वही सेम मिट्टी डाली, थोड़ा मिट्टी गीला कर लिया था, उसके बाद ऐसे ही सीड्स अलग से डाल देती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दूँगी, उसके बाद फिर से थोड़ा पानी डाल दूंगी। तो ये हो गया, ये लग गया। अब इसी तरीके से ना मैं धनिया भी लगाऊंगी। अभी धनिया के लिए भी मैं कार्डबोर्ड ही यूज़ कर रही हूँ, इनके लिए बड़ा चाहिए होता है ना, तो मुझे लगा कि चलो ये सारे डब्बे मेरे पास अभी नया नया सब कुछ सामान मंगाया था तो डब्बे में फेंकी नहीं थी, ये मिक्सर का डब्बा था मेरा, तो मुझे लगा कि इसको मैं मतलब साइड से टेप कर दी हूँ क्योंकि साइड से ही खुलता था, और इसको इधर से कट कर ली हूँ, तो ये ऐसे ही डीप हो गया है थोड़ा। बैगन है, ये जो बैगन है ना घर का ही बैगन था छोटा वाला, उसका मैं बीज निकाल ली हूँ और उसको फिर मिट्टी में डाल के वो भी कर दी हूँ, देखती हूँ निकलता है या नहीं निकलता है। यहाँ पे धनिया, साबुत धनिया जो घर पे धनिया होती है ना वो ही क्रश करके मैं डाल दी हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियोस देखी तो उसमें ऐसे बताया कि मतलब घर पे जो धनिया होती है ना उसको भी क्रश करके डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐसे होल कर लिया है, एक एक होल में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ और ऊपर से भी सीड्स पूरा ऐसे फैला दूँगी, लेकिन अभी तक तो ये नहीं निकला है, पता नहीं अब मुझे नहीं लग रहा है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ दिन मैं और देखूंगी, अगर निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर हटा के कुछ और लगा दूंगी इस मिट्टी में, क्योंकि और सारे निकल आए हैं बस यही नहीं निकला है, शायद इसको टाइम लगे अभी। तो यहाँ पे एक तरह से देखिए सारा होल करके मैंने थोड़े थोड़े ज़्यादा डाले और ऊपर से ऐसे सीड्स फैला दिए हैं, उसके बाद में इसमें सेम वही मिट्टी डालूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के रख देती हूँ। तो ये आज ये सारी चीज़ें लग गई हैं और समर आ रहा है यहाँ पर ना, यहाँ की बालकनी भी थोड़ी बड़ी है, तो मुझे लगा कि चलो कुछ आज लगा के देखते हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह देखते हैं लगता है या नहीं लगता है, जैसा भी रहेगा आगे आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद बस यहाँ पे रोटियाँ बनाई और ये दाल जो बन गया था ना फिर से इसको थोड़ा गर्म किया और रोटी के साथ बस खाएंगे। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
और देखिए यहाँ पे किचन में धूप आती है ना शाम के टाइम, तो मैंने यहाँ पे धूप में रख दी है, अभी बाहर बालकनी में नहीं रखी है क्योंकि रात का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े देखिए सीड्स निकल आए हैं और अभी देखती हूँ, अभी एक दो नहीं निकला है उनका क्या करना है। तो इस वीडियो का एंड में यही कर रही हूँ और मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।